यामाहा की MT-15 अपने सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश बाइक है। यही कारण है कि ये अपने स्पेसिफिकेशंस के मुकाबले अपने लुक की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे में अब कंपनी ने इसका नया वर्जन लॉन्च कर दिया है 2.0। तो 2.0 में क्या है खास, कितने कलर्स में ये बाइक आती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन में बदलाव हुए हैं, फीचर्स में बदलाव हुए हैं और इसकी कीमत क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको अपने इस सेगमेंट में बताएंगे। तो जानने के लिए बहुत कुछ है, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं NBT लाइव। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की कि कितने कलर वेरियंट्स में आती है। तो इसमें आपको चार कलर वेरियंट्स मिलते हैं। सबसे सामने जो आपको बाइक दिखाई दे रही है वो है वर्मेलियन कलर। इसके पीछे आपको जो है वो सियान स्ट्रॉम कलर है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं बाइक। इसके पीछे जो है वो है मेटेलिक ब्लैक कलर, और एक कलर जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो है रेसिंग ब्लू। रेसिंग ब्लू बहुत बेसिक कलर है, वो आप अक्सर देख लेते होंगे। कलर वेरिएंट्स की बात करें तो ब्लैक मेटेलिक कलर वेरिएंट की जो बाइक है इसकी दिल्ली शोरूम कीमत 1,59,900 रुपीज़ है। ये सबसे सस्ती है इन चारों कलर वेरियंट्स में। इसके बाद चलें सियान में, तो इसकी दिल्ली शोरूम कीमत 1,60,900 रुपीज़ है, जो इससे 1,000 रुपये महंगी है। सेम कीमत इसकी भी है वर्मिलियन कलर की, जिसकी दिल्ली शोरूम कीमत 1,60,900 रुपीज़ है। ब्लू रेसिंग कलर की भी कीमत उतनी है, यानी वो तीन कलर वेरियंट्स की कीमत एक है। ये जो ब्लैक मेटेलिक है वो 1,000 रुपये सस्ती है। तो अगर कीमत आपके लिए एक इशू है तो ये आपको 1,000 रुपये सस्ती मिल रही है, बाकी तीनों की जो कीमत है वो सेम है। बाइक के लुक की बात करें तो सबसे पहले इसके फ्रंट को आप एक तरीके से अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर मैं बाइक को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर अब आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो साइड में LED DRS दिए गए हैं जो देखने में इस बाइक को काफ़ी स्टाइलिश बनाते हैं। ये सामने आपको प्रोजेक्टर LED लैंप मिलता है जिसकी विजिबिलिटी बहुत ही कमाल की है। तो लुक वाइज MT-15 अपने सेगमेंट की सबसे कमाल की बाइक है। इसके जो शार्प एजेस दिखी है आपको दिख रहे हैं वो इसको देखने में काफ़ी कमाल के बनाते हैं। फ्यूचरिस्टिक इसका जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है। पुराने वाले MT-15 से नए वाले MT-15 में क्या अंतर आया है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये सामने जो अब आपको है वो USD सस्पेंशन मिलता है। USD सस्पेंशन एक्चुअली इंडिया में उतना प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है, ये विदेशों में जो बाहरी बाइक्स हैं उनमें आपको USD सस्पेंशन मिलता है। इससे क्या होगा कि अब जो बाइक का सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो अब जब आप इसको गड्ढे में लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा सा जर्क ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उससे स्टेबिलिटी अच्छी आ जाती है। बाइक की स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, बाइक को जब आप ड्राइव करेंगे तो एक जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि आप जब इस बाइक पर बैठेंगे तो लीन होकर बैठेंगे, इसलिए USD सस्पेंशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बाइक को एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो हेलोजन बल्ब दिए गए हैं, 10 इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर LED आपको नहीं मिलता है, LED आपको सिर्फ DRL यहाँ मिलते हैं, और इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्टर LED मिलता है। तो इंडिकेटर्स जो है वो अभी भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं, बाकी बदलाव कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। शार्प एजेस जो आपको पुराने वाले में मिलते थे इसमें भी मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसके टायर्स की बात करें तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सामने की ओर आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है यहाँ पर, और यहाँ सामने आपको फ्रंट ABS मिलता है। इसके अलावा टायर्स की बात करें तो आपको 100x80 सेक्शंस के टायर दिए गए हैं। पीछे की बात करें, अगर पीछे टायर की बात करें तो वहाँ पर अगर आपको देखें तो यहाँ पर आपको 140x70 सेक्शंस के टायर मिलते हैं, रेडियल ट्यूबलेस टायर है ये। इसके अलावा पीछे जो है आपको वो भी आपको ABS फीचर मिलता है। तो ये फ्रंट और रियर दोनों में आपको ABS फीचर मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और सामने की ओर आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। ये बात थी टायर्स की और फ्रंट लुक की। अब बात करते हैं साइड से, एक बार आप इसका लुक देख लीजिए तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसी पहली ये बाइक थी वैसे ही आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो फुटरेस्ट दिया गया है वो एल्यूमिनियम का दिया गया है। अब अगर इसके बात करें परफॉर्मेंस और इंजन की, तो इसमें 155 cc का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक वाला 4 वॉल्व का इंजन दिया गया है। 4 वॉल्व से आप समझ सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी होगी। अब पावर आउटपुट की बात कर ले तो इसमें 10,000 RPM पर आपको 18.4 PS का मैक्सिमम पावर और 7,500 RPM पर 14.1 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिलता है। तो एक तरीके से पावर और इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये पावर और परफॉर्मेंस में अभी भी वैसी की वैसी ही है। एक बार मैं आपको इसको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी जो हाइट है वो 5'11" है। 5'11" पर जो आपको एक पकड़ मिल रही है, मैं अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो ये जो लीन होकर आप जब इसको ड्राइव करेंगे तो एक कमाल का एक ग्रिप मिल रहा है। ड्राइव करते हुए कैसे ये है बाइक, ये जब हम इसका रिव्यू करेंगे तब आपको बताएंगे कि ड्राइव करते हुए कैसी है, लेकिन बैठने के बाद
थोड़ा सा ऊंची ये बाइक लग रही है, तो अगर आपकी हाइट 5'5" से कम है या 5'5" के, तो थोड़ा सा शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरी जो 5'11" हाइट है उसके बावजूद मेरा थोड़ा सा पैर अभी पहुंचने में हल्की सी परेशानी हो रही है। तो इसके हिसाब से ये समझा जा सकता है कि ये जो बाइक है वो लंबी हाइट के वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो शायद थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो अब बाइक को हमने ऑन कर दिया, ये देखिए यहाँ पर जो पीछे ब्लैक है और वाइट कलर का जो इसकी टेक्सटिंग है, ये इसे पढ़ने में रीडेबल काफ़ी अच्छा बना रहा है। यहाँ पर देखिए स्पीड दिया गया है, ओडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर गिफ्ट गियर को जब आप स्विच करेंगे तो उसकी भी जानकारी मिलेगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर मैं गियर को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है, ये स्पीड का है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल रहा है, फ्यूल आपका कितना है ये जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर न्यूट्रल का, आपको यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कलर का मिल रहा है नोटिफिकेशन। मोड को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ट्रिप की जानकारी यहाँ मिल रही है कि आपके पहली ट्रिप और दूसरी ट्रिप में आप इसको कितना चलाए हैं। तो ये जब हम इसका रिव्यू करेंगे तब आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे कि इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट पैनल कैसा है और इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। फ्रंट के बाद अब बात करते हैं रियर सेक्शन की। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलता है। सबसे पहले ये देख लीजिए ग्रैब रील्स जो दी गई है वो काफ़ी अच्छी है, स्टाइलिश है। हालांकि ये जो यहाँ पर आपको वेल्डिंग की दिख रहे हैं, ये जो क्वालिटी है फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन फिर भी जो ग्रैब रील्स है वो स्टाइलिश है। ये जॉइंट यहाँ पर अभी गैप है, तो पकड़ने पे जब आप यहाँ पीछे बैठेंगे तो आपको जो ग्रिप मिलेगी वो बहुत ही अच्छी है। पीछे की ओर आपको LED टेल लैंप मिलता है जो काफ़ी एग्रेसिव है। बाइक पीछे से उठी हुई है तो आपको एक एग्रेसिव पोस्चर मिलता ही है। यहाँ पर अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, पीछे 3 दिए गए हैं, 2 साइड में, 1 पीछे। तो कुल मिला के एक बार आप ये बाइक जो पीछे से देख रहे हैं तो ये भी पीछे से भी इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो स्विंग आर्म दिया गया है वो एक अच्छा दिया गया है, यहाँ पर बदल दिया गया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दे दिया गया है। तो ये जो काम किया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। बाकी जो प्लास्टिक के भी चीज़ है वो काफ़ी क्वालिटी प्लास्टिक की अच्छी है। एग्जॉस्ट पर चलते हैं तो एग्जॉस्ट पे जो कवर दिया गया है वो भी अच्छा है, ये आपको इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। तो कुल मिला के जो बॉडी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुई है प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सिटिंग की बात कर ले तो सिटिंग में जो है आपको पीछे काफ़ी नैरो मिलता है। तो एक तरीके से ये बाइक जहाँ तक मुझे लगता है कि सोलो राइडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप इस पे पीछे किसी को बैठाएं। पूरी तरीके से जॉइंट है तो यहाँ जो पीछे बैठेगा वो थोड़ा सा काफ़ी नैरो है, तो कि ये सोलो राइडिंग के लिए बाइक ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि इस पे दो लोग ट्रैवल करें। तो पीछे का लुक भी आपने देख लिया, सामने का भी लुक देख लिया, साइड का भी लुक देख लिया। अब बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन की, यानी इस बाइक पर बैठने में कैसी है, इसका लंबाई कैसी है और ऊंचाई कैसी है। तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल लंबाई की। तो इसकी जो लंबाई है वो है 2015 mm की, ये जो पूरी बाइक है वो उतनी लंबी है। और विड्थ की बात कर ले तो इसमें आपको 800 mm की जो विड्थ मिलती है, और ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1070 mm की इसकी हाइट है। इसके अलावा अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। मेरी हाइट 5'11" है और आप देख सकते हैं कि जो पैर है वो यहाँ कैसे पहुँच रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो बाइक है, अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो थोड़ी सी परेशानी आपको इसमें हो सकती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस जो बात कर रहे हैं वो 170 mm का है, तो यानी इतना भी नहीं है कि आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो ऑफ रोडिंग ड्राइव के लिए ये बाइक आपकी पहली पसंद नहीं बनेगी। हालांकि इस बाइक को जो बनाया गया है वो हाईवे ड्राइव के लिए बनाया गया है, सिटी ड्राइव के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए ये काफ़ी बेहतर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डायमेंशन की बात कर रहा था, ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहा था, कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो आपको परेशानी हो सकती है। और लास्ट में इसके वज़न की बात करें तो इसका जो वज़न है वो 139 kg है। तो जो बाइक है वो भारी मुझे लग नहीं रही उतनी, ड्राइव करते वक्त कितनी भारी लगेगी ये जब हम इसका रिव्यू करेंगे तब आपको बताएंगे कि ड्राइव करते वक्त की बाइक कितनी भारी लग रही है, और या फिर इसमें कैसा आपको राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है, ये हम सारी चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। सीट की जो हाइट है वो 810 mm है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस भी हमने आपको बता दिया, सीट की हाइट जो है वो 810 mm है। तो एक तरीके से जो लंबे हाइट के लोग हैं उनके लिए ये बाइक सही है, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है तो एक परेशानी है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इतना है कि आप इसको अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं सिटी में, लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे तब के लिए ये बाइक उतनी अच्छी नहीं है। और एट दी एंड जाते जाते इस बाइक के अगर टैंक की बात करें तो इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है,
तो 10 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो डिसेंट है इस बाइक के लिए। माइलेज क्या देती है ये जब हम इसको ड्राइव करेंगे तब बताएंगे। तो ये बाइक आपको कैसी लगी ये एक बार आप इसके फिर से लुक को एक बार अच्छे से देख लीजिए फ्रंट से एंड तक में, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बाइक कैसी है। हमने आपको उसके डायमेंशन के बारे में बता दिया, इसके ब्रेकिंग फीचर्स के बारे में बता दिया, सस्पेंशन के बारे में बता दिया। कुल मिलाकर एक बार अगर इस बाइक को समराइज करना हो तो इसमें आपको USD फॉर्क मिलता है, सस्पेंशन मिलता है, तो सस्पेंशन को बदल दिया गया है, इससे क्या है स्टिफनेस मिलेगी लेकिन अब इसमें आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा बैलेंस मिलेगा। इसके अलावा लुक में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव किया नहीं गया है, परफॉर्मेंस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा परफॉर्मेंस पहला था वैसे अब भी मिलेगा। हालांकि जो इसमें स्टिकर्स हैं वो इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर स्टिकर्स देखिए आपको दोनों साइड देखने को मिल रहे हैं, तो स्टिकर्स जो हैं वो विजुअली इस बाइक को काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। और अब एक बार इसके एग्जॉस्ट साउंड को आपको सुना देता हूँ कि बाइक को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो इस बाइक के परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से बयां कर रहा है। इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइन है अपने सेगमेंट की, ये बहुत ही अच्छी बाइक है जिसका इंजन काफ़ी रिफाइन है। एक बार अगर आप इसे खरीद लेंगे तो इंजन में कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी, तो ये एक जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। यामाहा MT-195 का आपने ओवरऑल व्यू देख लिया है, ये 3 कलर वेरिएंट हमारे पास मौजूद है, चौथा इस समय नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये बाइक देखने में कैसी है। आपको इससे कौन सा कलर वेरिएंट पसंद आए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और पहले के मुकाबले इस बाइक में वो कौन से फीचर हैं जो आपको अच्छे लगे पसंद आए, और आपको क्या लगता है कि वो कौन से फीचर थे जो अभी भी इसमें मेजर मिसिंग है, ये सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट, क्या कमियां थी इस बाइक में, वो भी आप हमें उस सेगमेंट बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए ऐसी वीडियोस के लिए NBT Life।